स्मूथनेस ऑफ रूट केप, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडी। सो ये हो गया आपका गोल्जी एपरेटस। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज लाइसोसोम। लाइसोसोम, सो लाइसोसोम इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन द सेल एंड इट इज अ सिंगल मैम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मैम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। सो लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एंड इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगी, ओनली सिंगल मैम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर होगी और इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर दी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और हाइड्रोलेजेस, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड दीज एंजाइम्स आर वर्क ऑन द एसिडिक पीएच, ऑन द एसिडिक पीएच। वॉट इज द एसिडिक पीएच? द पीएच लोअर देन 7, इट इज कॉल्ड एसिडिक पीएच, ठीक है। सो 7 से कम पीएच पर ही ये एंजाइम्स क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर हाइड्रोलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन होता है वो किस किस से होता है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्टिविटी से किसका फॉर्मेशन हुआ, लाइसोसोम का। इसे हमने टर्म दी थी एक गर्ल, ठीक है। तो मेनली जो है ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, द लाइसोसोम इज डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट्स। द फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। तो जब हमने गोल्जी एपरेटस पढ़ा, गोल्जी एपरेटस के ट्रांसफेस से जो वैक्यूल्स डिस्चार्ज होते हैं दैट आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। द वैक्यूल्स डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी बॉडी, लेट्स कॉल प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। द वैक्यूल्स डिस्चार्ज फ्रॉम द गोल्जी बॉडी दैट आर कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम और यहां पे आकर के क्या अटैच हो गए, फेगोसोम्स। द फेगोसोम्स दीज बॉडीज आर विच जिनका क्या होना है, डाइजेशन होना है, ठीक है। सो दीज आर द फेगोसोम एंड दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। जब फेगोसोम प्राइमरी लाइसोसोम से आकर के अटैच हो जाएंगे तो ये मिलकर के बनाएंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो ये क्या करेंगे, फेगोसोम का डाइजेशन कर देंगे, ठीक है। एंड फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम ने मिलकर क्या बनाया, सेकेंडरी लाइसोसोम।
और इसके बाद में क्या हो गया, ये जो मटेरियल था इन द फैगोसोम, इसका क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। और डाइजेशन होने के बाद में क्या बचेंगे, रेजिडुअल बॉडीज। इसके अंदर जो मटेरियल था उसमें से कुछ मटेरियल का तो डाइजेशन हो गया, ठीक है, बट कुछ मटेरियल ऐसा था जिसका डाइजेशन लाइसोसोम नहीं कर पाया और वो अभी भी कहां पे बाकी है, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। सो दिस रेजिडुअल मटेरियल इज कॉल्ड एज रेजिडुअल बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज, ठीक है, दीज आर दी रेजिडुअल बॉडीज। और इन रेजिडुअल बॉडीज को बाय द एक्सोसाइटोसिस या ईफेगी प्रोसेस के प्रोसेस से कहां पे कर दिया जाएगा, आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, द फर्स्ट इज प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंड इज सेकेंडरी लाइसोसोम एंड थर्ड इज रेजिडुअल बॉडीज और टर्शरी लाइसोसोम्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाय टर्शरी लाइसोसोम्स। एंड फिर इनको कहां कर दिया, बाय द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, इनको सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। एंड वन मोर टाइप ऑफ लाइसोसोम्स आर ऑटोफेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स, दीज आर द फोर्थ टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। तो ऑटोफेगोसोम्स या ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, इनको हम ऑटोफेजिक वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स, ये क्या करेंगी, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट होंगी उस पूरी सेल्स को खत्म कर देंगी या डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी उस सेल का ही क्या कर देंगी, डाइजेशन कर देंगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस, ठीक है। तो जिस भी सेल का इन्हें ऑटोलाइसिस करना है वहां पे मैनी नंबर ऑफ लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे और क्या होंगे, ये लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाएंगे इन द सेल, और इन लाइसोसोम्स के बर्स्टिंग की वजह से इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, ऑटो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये कहां जाएंगे, सेल के अंदर, और सेल की जो पूरा मेटाबोलाइट है इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, जिससे पूरी सेल क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी या डाइजेस्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय ऑटोलाइसिस विच इज परफॉर्म बाय द ऑटोफेगोसोम्स और ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में कुछ एनिमल्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या हो जाता है, ऑटोलाइसिस हो जाता है और उसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। सो इन द फ्रॉग, फ्रॉग का जो लार्वा है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, टैल प्रेजेंट होती है, बट आफ्टर द मैच्योरेशन फ्रॉग की जो टैल है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है ड्यू टू द ऑटोलाइसिस, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स और दीज आर द टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। सो यहां तक आपको समझ आया, सो अगर हम लाइसोसोम का फंक्शन देखें, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, डाइजेशन ऑफ रेजिडुअल मटेरियल्स, रेजिडुअल मटेरियल्स और द डाइजेशन ऑफ फैगोसोम्स। या हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं,
the penos